हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुनील कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि SQL सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया जाए एप्पल के लैपटॉप में, स्पेसिफिकली मैकबुक M1 M2 चिप। तो कुछ एक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे, जो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट दो तीन चीज़ें जो आपको याद रखना है कि दो चीज़ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। पहली चीज़ जो कि डॉकर की एप्लीकेशन है, आपको गूगल में डॉकर टाइप करना है और वो उसका पहला वाला जो लिंक आ जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसका डॉकर आईडी बना के लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आएगा, तो उसको डाउनलोड करेंगे आप। उसके बाद दूसरी चीज़ जो डाउनलोड करनी है वो है अजोर डेटा स्टूडियो, ठीक है। अजोर स्टूडियो को आपको है जो है डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि अजोर स्टूडियो में जो है वो SQL का जो सर्वर है दैट इज़ बींग होस्टेड देयर, तो वहाँ पे वो होस्ट हो रहा है और वहाँ पे वो चल रहा है, तो वहाँ पे वो चलाने के लिए आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जब आप क्रिएट कर रहे हो यूज़र नेम और या डाउनलोड कर रहे हो डॉकर को, डॉकर की इमेजेस को, या सॉरी जब आप डाउनलोड कर रहे हो SQL सर्वर को, तो वो आपको टर्मिनल से करना है, जो मैक का लैपटॉप जो है उसके टर्मिनल से करना है। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ हैं, दो चीज़ डाउनलोड करना है डॉकर, और दूसरा आपका अजोर स्टूडियो, और तीसरी चीज़ जब भी आप SQL को डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि वो इमेज की फॉर्मेट में होगा। सिंस डॉकर इज़ अ न्यू नेक्स्ट लेवल कंटेनराइज टेक्नोलॉजी विच कंटेन योर सॉफ्टवेयर एंड द डिपेंडेंसी इन अ इमेज। अब इमेज क्या होता है? लाइट वेट होता है और ईजिली डाउनलोडेबल होता है, तो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होता है। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे यूज़ किया जाए, पहली बात है कैसे यूज़ किया जाए। तो आपको टर्मिनल में जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सर्च बार पे यहाँ पे जो टॉप पे है TERMINAL लिखना है, टर्मिनल में एंटर मार देना है। टर्मिनल में जाने के बाद मैं आपको दो आपको कमांड दूंगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। पहला जो कमांड है वो है डॉकर रन, मतलब रन करना है, डाउनलोड करना है उसको, डॉकर पुल करना है। पुल करना मतलब कि कुछ चीज़ को आप खींच रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आपका SQL सर्वर का इमेज हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में आप यूज़र नेम और पासवर्ड को डिफाइन करेंगे यूजिंग द टर्मिनल ओनली। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे किया जाएगा, पर वो पहले जान लीजिए कि ये क्यों करना पड़ेगा। यूज़र नेम और जो पासवर्ड कहाँ पे काम आएगा? ये काम आएगा जब आप, जैसे कि मैंने बताया कि था कि Azure Data Studio जो है इसमें आपको यूज़र, व्हेन यू आर सेटिंग द कनेक्शन, व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, कनेक्शन किसका? डॉकर SQL सर्वर का कनेक्शन और द अजोर डेटा स्टूडियो का कनेक्शन। अब जो SQL जो सर्वर है वो किस पे है? वो कंटेनराइज है ना, तो किस पे है? वो तो डॉकर पे है। तो यू नीड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन दीज टू। तो इन चीज़ के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड और लोकल जो सर्वर है उसका होना ज़रूरी है। तो आप उसको यू नो सेट अ कनेक्शन में स्पेसिफाई करते हो अजोर में, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और आप सक्सेसफुली यूज़ कर देते हो। लेट मी टेल यू इन एक्शन हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग वर्क्स। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको डॉकर लिखना है। तो डॉकर, तो ये डॉकर आ गया, ये पहले आप डॉकर पे गए, जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है डॉकर आईडी, तो मैं इजीली लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक विद एप्पल चिप आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद कुछ dmg.dot फाइल में आ जाएगा और आपको एप्लीकेशन फोल्डर में जाना है। वंस यू रिचेज टू दी एप्लीकेशन फोल्डर, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप उसको ड्रैग करते हो, कहाँ पे? एप्लीकेशन यहाँ आपके डाउनलोड में जो ये डाउनलोड हुआ होगा डॉकर इमेज, आप उसको क्या करेंगे वहाँ से ड्रैग करके एप्लीकेशन फोल्डर में लेके जाएंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फोल्डर में लेके जाएंगे तो आपको जो आइकन है कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और मैंने इस पर डबल क्लिक किया है। देर इज सम प्रॉब्लम यू नो रनिंग राइट नाउ इन माई केस, सो इन दिस केस आई हैव बुक मार्केट, सो आई एम गोना डबल क्लिक देयर। सो आपको कुछ इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह का खुल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह का खुलेगा, जहाँ पे ऑप्शन किया होगा कि क्रिएट अ कंटेनर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके कुछ एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। अब अगला जो स्टेप है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि आपको अजोर स्टूडियो डाउनलोड करना है, तो आपको अजोर डेटा स्टूडियो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अजोर डेटा स्टूडियो में, अजोर डेटा स्टूडियो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड SQL सर्वर पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे,
सॉरी, आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड अजोर डेटा स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के वर्जन जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंटेल चिप, एप्पल सिलिकन। सिंस आई हैव एप्पल सिलिकन चिप, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द एप्पल सिलिकन चिप। सिंस आई ऑलरेडी डिड इट सिलिकन चिप, तो वो ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आपका भी जैसे इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद सेम प्रोसीजर जैसे आपने डॉकर के लिए अभी किया था, एप्लीकेशन में जाके उसको ड्रैग, डाउनलोड के फोल्डर में जाके उसको ड्रैग करना एप्लीकेशन में। और जैसे ही आप ड्रैग करोगे एप्लीकेशन फोल्डर में, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये दिखी, यहाँ पे अजोर डेटा स्टूडियो जो है वो एप्लीकेशन के अंदर है। तो जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका अजोर डेटा स्टूडियो खुल जाएगा, और इस तरह का कुछ आपका जो है इंटरफेस जो है आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है अ कनेक्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट कनेक्शन, उस पर आप यूज़र नेम और आईडी डालते हो। आई टेल यू वो यूज़, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सर्वर डालना है, ऑथेंटिकेशन टाइप मेन जो इसमें से है सर्वर है, और कनेक्शन टाइप है, और आपको डेटाबेस का ज़रूरत नहीं है, और आपको जो डालना है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं बताता हूँ कहाँ और कैसे डालना है। जैसे यहाँ पे अकाउंट है तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाला है, ऑथेंटिकेशन टाइप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंट्री आईडी, ये सब का कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। अब जैसे आपके ये दो चीज़ डाउनलोड हो गए हैं, आपको जो तीसरा चीज़ करना है, जहाँ पे आपने ये आप रन कर रहे थे डॉकर का, वहाँ पे आपको जाना है, आपको वहाँ पे लिखना है यू हैव टू लुक फॉर दी इमेज विच इज़ SQL इमेज। तो SQL इमेज जो है उसका नाम अजोर SQL एज है, ठीक है, SQL सर्वर की जो इमेज है अजोर SQL एज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है अजोर SQL एज, अजोर SQL एज करके एंटर मार दिया, जो माइक्रोसॉफ्ट से है उसी पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड देखिए, आपके पास यहाँ पे बटन नहीं होगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये कमांड है, जो यहाँ वाली ये जो कमांड है बैश कमांड, उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। डॉकर पुल माइक्रो डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट अजोर टूवर्ड योर राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन जस्ट अंडर योर दी यूज़र नेम। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो पुल कमांड कॉपी, मैंने कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल को, टर्मिनल में एंटर मार के आपको, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब कर लिया है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट करके एंट्री मारना है। एंट्री मारने के बाद कुछ टाइम के लिए वेट करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुल। जैसे ही आपका डाउनलोड सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको दूसरी कमांड देता हूँ। तो यू हैव टू एंटर दिस सेकेंड कमांड विच बेसिकली दिस कमांड व्हाट इट डिड। जैसे ये कमांड रन हो जाती है ना सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको जाना है डॉकर पे, तो डॉकर पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी सिंस आई हैव स्टॉप्ड इट, फॉर एग्जांपल इट इज़ स्टॉप्ड, तो ये आपको ऐसी कंडीशन में मिलेगा जो कि ये बेसिकली डॉकर इमेज है, ये SQL का एक इमेज है जो कि डॉकर की फॉर्म में बोल सकते हैं, कंटेनर की फॉर्म में। सो आपको यहाँ पे जो जैसे डाउनलोड आपने परफॉर्म किया था टर्मिनल पे, जैसे ही आप यहाँ पे करते हो, देखिए जैसे मैंने बताया था टर्मिनल पे जो आपने किया था, जैसे ये लाइन चलाई थी आपने जो ये वाली है, ये जैसे सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद जो है डॉकर में कुछ इस तरह का इमेज के अंदर दिखेगा। जैसे मैंने पहले भी एक चलाया था, तो इन यूज़ बता देगा ये इमेज के अंदर, आपको ये इस तरह का कुछ दिखेगा। या कंटेनर के अंदर भी आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन एक्टिव कंटेनर है, कौन एक्टिव कंटेनर नहीं है। इस केस में देखिए, अभी यहाँ पे SQL है, तो मतलब SQL की इमेज है। अब इसको आप देखिए, यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है, अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए दो चीज़ें, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन करना होगा या डिफाइन करना होगा, कहाँ पे, टर्मिनल में। और जो टर्मिनल का जो दूसरा जो कमांड है वो ये है, देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डॉकर रन एक्सेप्ट दिस पासवर्ड एंड द यूज़र नेम। इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, फिर से टर्मिनल में जाना है। जैसे आप टर्मिनल में जाते हो, तो आपको जैसे कि पहली कमांड एग्जीक्यूट होगी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंस आई हैव ऑलरेडी डन इट, सो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो आपको दूसरी कमांड यहाँ पे एंटर मार देनी है, और याद रखना कि एग्जैक्टली हूबहू आपको ये डालना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू मैंशन एग्जैक्टली इट, बट ऑल यू नीड टू चेंज इज यू नीड टू चेंज योर यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है SA पासवर्ड, MSSQL/SA/password, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रखिए जो आपको उसमें, वाइल यू वॉन्ट टू एक्सेस योर SQL सर्वर, जब आपको एक्सेस करना है SQL सर्वर को, उस टाइम पे जो ज़रूरत होगा, जो ज़रूरी होगा, वो पासवर्ड जो है यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पे डाल देते हो, तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बाद में हमें यूज़ होगा जब हम यूज़ करेंगे
ये डेटा स्टूडियो के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एसक्यूएल सर्वर का। अब जो दूसरा है यहाँ पे देखिए, यूज़र नेम यहाँ पे आर एस ए रखा हो तो ठीक है, मैंने अब यही रखना, मुझे चेंज नहीं करना, तो ये रखना है। अगर आपको भी यही रखना है तो यू कैन कीप इट सेम, नो प्रॉब्लम। वंस यू एंटर एंड एग्जीक्यूट इट, आपके पास ये बैक एंड बिहाइंड द सीन इट इज़ जनरेटेड, द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज जनरेटेड और इट विल बी नाउ स्टार्ट वर्किंग विद द अजोर डेटा स्टूडियो। तो आपके पास ना कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए सिंस आई ऑलरेडी डिड इट, तो मेरे पास क्या है, ऐसा कुछ आ रहा है जैसे अकाउंट में मैंने ये डाला है और फॉल्स ट्रू ये सब डाला है पैरामीटर बेस करके। और देखिए और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे स्टार्ट अगर मुझे स्टार्ट से बताना हो तो यहाँ पे क्लिक किया है, देखिए होस्ट नेम, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए स्टार्टिंग में आपको आएगा कनेक्शन टाइप, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का सर्वर आपको एंटर करना है, सर्वर नेम जो है आपको लोकल होस्ट ही रखना है, और तीसरी जो कॉन्फ़िगरेशन और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो है यूज़र नेम, जो हमने असाइन किया था, इफ़ यू रिमेंबर कि टर्मिनल के अंदर हमने यूज़र नेम असाइन किया था जो कि मेरे केस में ऐसे था, और पासवर्ड जो मेरा पासवर्ड था जो मैंने उस टाइम पे टर्मिनल में सेकंड कमांड की जो डाली थी हमने टर्मिनल में उस टाइम पे जो पासवर्ड था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, और बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट और नीचे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट फॉल्स रहेगा। तो ध्यान से ये पॉज करके वीडियो आप देखिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस स्टेप पे, जैसे कि मैं अब आप यहां कर दिया है तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है कनेक्ट करने का, अब देख सकते हैं आई मीन इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, मे बी 1 मिनट और मे बी 2 डिपेंडिंग अपॉन द इफ़ कनेक्शन इज सेट और नॉट। देखिए यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कनेक्शन यहाँ पे सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि जो मेरे इमेज है वो मैंने रन नहीं की है, दैट इज स्टिल इन स्टेल्थ मोड, रुकी हुई स्टेज पे, राइट। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डॉकर पे। देखिए डॉकर पे यहाँ पे देखिए यूज पे नहीं है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टार्ट का उसको पहले क्लिक करना है सॉरी तो पहले आपको उसको क्लिक करना है, जैसे आप उसको क्लिक करते हो ना, अब यू कैन सी नाउ इट इज स्टार्टेड रनिंग, स्टेटस रनिंग है। अब आप जब ये करोगे, ये कनेक्ट करने का कोशिश करोगे तो अब इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार चलो देखते हैं, हो सकता मैं गलत हूँ। तो ये लोकल होस्ट आ गया, इसमें क्लिक करना है, इसमें कनेक्ट करना है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जुड़ गया। अब ये जुड़ गया, ये आपका एसक्यूएल सर्वर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेसिस को लोकेट करेंगे, डेटाबेसिस के अंदर हम अपना टेबल्स को लोकेट करेंगे, जैसे कि मैंने अपने केस में कस्टमर पोर्टफोलियो एक टेबल बनाया था, जस्ट अ डमी टेबल, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ पर्टिकुलर यू नो द फंक्शनिंग ऑफ दिस एसक्यूएल सर्वर इज एक्टिव और नॉट। सो जस्ट टू चेक दैट, मैं इसके अंदर जाता हूँ, उसके अंदर मैंने 3 टेबल क्रिएट किए हैं। आप यू नो राइट क्लिक करके टाइप भी कर सकते हो कि मुझे टॉप के 1000 टेबल का ये डेटा चाहिए। तो you can see, you can start running it, once you run it you can see there is result in output same as when you do it in your windows, right, जो SQL server आप window में चलाते हो same तरीके से ये काम कर रहा है। So I think that is it, इसका जो link जो है, इसके जो भी steps है वो मैं आपको एक बार description में डाल देता हूँ, along with 2 terminal command जो आपको ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़, 2 चीज़ इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, एक तो ये डॉकर भाई साहब और दूसरा जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अजोर डेटा स्टूडियो। तो ये दोनों डाउनलोड करने पड़ेंगे, और इमेज जो है तीसरी चीज़, जो इमेज है एसक्यूएल की वो कहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, वो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, जो ऑनलाइन ये है, ये आपका है, तो यहाँ पे आप ये नाम डालिए और एंटर कीजिए, और कुछ ऐसा आएगा उसको कॉपी करके टर्मिनल में डाल दीजिए, तो ये आपका पहला कमांड बन जाता है। और दूसरा कमांड मैंने जैसे आपको बताया है, आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो या दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल दी यू नो एसक्यूएल सर्वर ओवर दी एप्पल लैपटॉप। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।